नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप चाहते हैं कि गर्मी के मौसम में आपके घर में मच्छर कम से कम आए, तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से विंडो के ऊपर आयरन नेट यानी कि लोहे की जाली लगवाई जाती है। तो यदि आप भी खिड़की के ऊपर कुछ इस तरीके से आयरन जाली लगाने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस तरीके से आयरन जाल लगाने का आपका लेबर मटेरियल सहित टोटल कितना खर्च हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने लेबर बुलाकर आयरन जाल लगवाया था। तो चलिए अब देख लेते हैं कि साल 2024 में यदि आप कुछ इस तरीके से इस खिड़की के ऊपर आयरन जाल लगवाने वाले हो, तो आपका लेबर मटेरियल सहित टोटल कितना खर्च हो जाएगा, यानी कि कितने रुपए का जाल पड़ेगा, और जाल के कॉर्नर पर कुछ इस तरीके से जो लकड़ी की पट्टी लगती है ये आपको कितने रुपए की मिल जाएगी, और इसके साथ साथ जो लेबर लगाने आएगा वो आपसे कितना रुपए लेगा, एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो सबसे पहले यदि हम विंडो जाल रेट की बात करें, तो आप विंडो की लंबाई और ऊंचाई माप लेंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर हमने विंडो की जो लंबाई मापी है वो 4 फीट है। नेक्स्ट यदि हम विंडो की ऊंचाई की बात करें, तो विंडो की ऊंचाई 5 फीट है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं कि विंडो की ऊंचाई 5 फीट है। तो विंडो की लंबाई और ऊंचाई का गुणा करने के बाद जितना आएगा उतने स्क्वायर फीट जाली लगेगी। तो आप देख सकते हैं कि यदि हम इसका गुणा करते हैं तो 20 स्क्वायर फीट आ गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस विंडो में टोटल 20 स्क्वायर फीट जाली लगेगी। और यदि हम एक स्क्वायर फीट जाली के रेट की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि ये वाली जो जाली है हमें वो 14 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल रही थी। तो चलिए हम 14 से गुणा कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि 20 स्क्वायर फीट जाली टोटल कितने रुपये की हो जाएगी। तो जाली कितना स्क्वायर फीट लगेगी और जाली का टोटल रेट कितना होगा, यह निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको कुछ इस तरीके से जाली लगाने के लिए जो उड यानी कि लकड़ी की पट्टी आती है, इसका आपका कैलकुलेशन करना है। तो विंडो की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो विंडो की लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले विंडो की जो टोटल लंबाई है वो 4 फीट है, तो 4 फीट का एक टुकड़ा नीचे लगेगा और एक ऊपर लगेगा, तो 8 फीट ये हो गया, तो टोटल 18 फीट हो गया। तो 18 फीट आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, क्योंकि 10-10 फीट का लेंथ आता है, तो टोटल आपको 20 फीट लेना पड़ेगा। तो 20 फीट में आपका काम भी हो जाएगा और थोड़ा बहुत बचेगा भी। तो 20 फीट आपको कुछ इस तरीके से लकड़ी वाली बिट लेनी पड़ेगी। तो लकड़ी की बिट, तो 20 फीट लकड़ी के बिट के यदि हम प्राइस की बात करें, तो 1 फीट जो लकड़ी की बिट है वो हमें 9 रुपए की मिल रही थी। तो चलिए हम 9 से गुणा कर लेते हैं, तो हमें इसका रेट पता चल जाएगा कि 20 फीट लकड़ी के बिट का टोटल कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 180 यानी कि 180 रुपए का हमारा लकड़ी का बिट हो गया। तो इसी तरीके से आप लकड़ी के बिट का कैलकुलेशन कर लेंगे। नेक्स्ट यदि हम लेबर रेट की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि हमारे एरिया में यदि किसी भी साइज के विंडो में कुछ इस तरीके से जाल लगाने के लिए मिस्त्री आता है, तो वो 200 रुपए लेता है। फिर वो चाहे विंडो आपकी 3 फीट बाई 4 फीट की हो, या फिर 4 फीट बाई 5 फीट की हो, या फिर 6 फीट बाई 6 फीट की हो, यानी कि किसी भी साइज की विंडो हो हमारे एरिया में, यदि कुछ इस तरीके से आयरन जाल लगाने के लिए मिस्त्री आता है, तो वो भाई साहब 200 रुपए एक विंडो का लेता है। तो एक विंडो का यदि हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो एक विंडो का कुछ इस तरीके से जाल लगाने के लिए जो मिस्त्री आएगा वो भाई 200 रुपए लेगा। अब चलिए टोटल करके देख लेते हैं कि साल 2024 में यदि खिड़की के ऊपर कुछ इस तरीके से जाल लगाने की सोच रहे हैं, तो लेबर मटेरियल सहित कितना खर्च हो जाएगा। तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 4 फीट बाई 5 फीट की खिड़की में कुछ इस तरीके से आयरन वाली जाली लगाने पर 660 रुपये का खर्च हो गया, जो कि लेबर मटेरियल सहित है। तो इसी मेथड को फॉलो करते हुए किसी भी विंडो में आयरन जाल लगाने का टोटल कितना खर्च होगा, इसका कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।